गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी मैथ्स में अलजेब्रा, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित पढ़ने जा रहे हैं। और आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और हम किस तरह के वीडियोस आपके लिए और प्रोवाइड करें। तो हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इच। हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। और हमारा जो क्वेश्चन है, जो गिवेन है x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव, ये हमारा FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट ग्रेड में 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो हम इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले अब हम करेंगे क्या कि हम अपने इस टर्म को स्क्वायर करेंगे, यानी कि बोथ टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है उसका हम स्क्वायर करेंगे। लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर। यहां पर हम देखते हैं कि ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये हम पढ़ चुके हैं, सेम वही कंडीशन यहां पर भी है। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इस तरह से। और ये जो होगा हमारा 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 इस तरह से। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस x और x आपस में कैंसिल यानी कि 2ab जो टर्म था एक्स एक्स आपस में कैंसिल माइनस 2 इज इक्वल टू 25 इस तरह से हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2 है जो कि राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो वो माइनस 2 से प्लस 2 हो जाएगा और इस तरह से 25 प्लस 2 27 होगा। तो हमारा जो टर्म था वो यही फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ये हमारा आंसर है। इस तरह से ब्लैंक स्पेस में हम 27 को फिल कर देते हैं। ये है हमारा आंसर। और आप सबसे पहले इसमें फॉर्मूले को फिर से एक बार रिमाइंड कर ले कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इस तरह से। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, इफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 एंड p इंटू क्यू यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 then the numerical value of p by q plus q by p will be।
हमें बताना है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2012 में पूछा जा चुका है। अब हम इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। हमें जो फाइंड करना है टर्म वो ये है पी बाई क्यू, हम इसको सॉल्व करते हैं। पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू और पी का एलसीएम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा पी क्यू, और इस तरह से क्यू क्यू को डिवाइड करेगा तो पी बचेगा, पी इंटू पी पी स्क्वायर। ये क्या है, ये है हमारा फ्रैक्शनल एडिशन पी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से पी पी को डिवाइड करेगा, क्यू बचेगा, और क्यू 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 इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर, इस तरह से यह है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू पी क्यू अपॉन पी क्यू, ये भी हम लिख सकते हैं। अब पी प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, पी प्लस क्यू की वैल्यू है वो जो है वो 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस टू इंटू पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 5, ये है। नेक्स्ट है 10 का स्क्वायर जो होगा वो 100 होगा, माइनस 2 इंटू 5 10 होगा अपॉन 5, 100 माइनस 10 90 अपॉन 5, 5 से 90 को जब डिवाइड करेंगे तो 18 बार में होगा, 18 5 या 90 होता है, इस तरह से जो वैल्यू आया हमारा वो हो गया 18। इस तरह से हम 18 यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। अब हम यहाँ समझते हैं कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कैसे आया, यानी कि हम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को इस फॉर्म में क्यों लिखे। ऐसा इसलिए है क्योंकि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के समान है। तो अगर हम इसको इसका एक्सपेंशन करते हैं यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो लिखेंगे क्या होगा, पी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, फिर साथ ही साथ माइनस टू पी क्यू भी लिखे हैं, माइनस टू पी क्यू ऐसा लिखे हैं। तो हम देखते हैं कि प्लस टू पी क्यू और माइनस टू पी क्यू है जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट हुआ वो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि जो पिछले स्टेप में जो ऊपर दिया गया है यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब समझ में आ गया होगा कि हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू पी क्यू क्यों लिखे हैं। तो इस तरह से यही एक समझने वाला इसमें टर्म था, बाकी हम वैल्यू पुट कर दिए, 10 का स्क्वायर 100 हुआ, माइनस 2 इंटू 5, 5 जो है वो पी क्यू की वैल्यू है, और 100 माइनस 10 90 हो गया, पी क्यू की वैल्यू नीचे भी पुट करनी थी, 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 18 आया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, इफ x इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वन बाई एक्स इज, हमें बताना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी x प्लस वन बाई एक्स की, जो कि क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल 2012 में पूछा जा चुका है। तो हम सबसे पहले अगर x की वैल्यू दी गई है तो x की वैल्यू तो हम यहाँ पुट कर देंगे। दूसरी चीज है 1 बाई एक्स जो कि हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम 1 बाई एक्स को फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री प्लस रूट टू। तो इस तरह से हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 में कि जब भी डिनोमिनेटर क्या हो, इरेशनल नंबर हो, तो हम सबसे पहले उसको रेशनलाइज करते हैं, यानी कि उसका हिंदी में उसको कहेंगे हरों का परिमेयीकरण, और इंग्लिश में कहेंगे रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर।
तो सबसे पहले हम रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज जब हम करेंगे तो क्या होगा कि √3 √2 का यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पर साइन इसका चेंज रहेगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस होता, और यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो अब हम इसके वैल्यू को देखेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस √2 इंटू 1, √3 माइनस √2 ही होगा। और यहां पर जो नीचे में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसका हम लोग पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम चीज हम अप्लाई करेंगे यहां पर, तो क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये ए टर्म है ये बी टर्म है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर जो होगा तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे तो बचेगा सिर्फ 3। यहां भी सेम कंडीशन है, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हमारा 2। अब हमें पता है 3 माइनस 2 1 होता है, तो √3 माइनस √2 अपॉन 1, अपॉन 1 है इसलिए हम √3 माइनस √2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू है 1/x की। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है उस पर आते हैं, यानी कि x प्लस 1/x हमें फाइंड करना है तो उसको देखते हैं। तो x की जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं, लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 प्लस 2, √3 प्लस √2 प्लस 1/x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि √3 माइनस √2, 1/x की वैल्यू पुट करते हैं तो लिखेंगे √3 माइनस √2। अब हम देखते हैं कि प्लस √2 है माइनस √2 है जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा बचा वो √3 और √3 है तो जो कि हो जाएगा 2√3। ये हमारा आंसर है, यानी कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू जो होगी वो होगी 2 प्लस √3। तो यहां पर हम ब्लैंक स्पेस में √3 वैल्यू पुट करते हैं, यही हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 1/a³ इज व्हाट, ये हमें बताना है। ये हमारा एसएससी सीएचएसएल 2014 में पूछा जा चुका है। सबसे पहले अब हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन क्या है, पहले हम a प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे a प्लस 1/a इज इक्वल टू जो होगा वो होगा हमारा स्क्वायर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो वो रूट में स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जो a प्लस 1/a की जो वैल्यू होगी वो a प्लस 1/a की जो वैल्यू होगी वो √3 होगी। इस तरह से अब हम क्या लिखेंगे कि क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, अब हम दोनों साइड्स का क्यूब करते हैं तो हमारा होगा a प्लस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू √3 का होल क्यूब।
यहां पर हमें जो फॉर्मूला मिलेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सेम चीज यहां भी अप्लाई होगा, लिखते हैं ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, वन का क्यूब वन ही होगा, ए का क्यूब ए क्यूब होगा, प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, इज इक्वल टू रूट थ्री का क्यूब, यानी कि रूट थ्री तीन बार मल्टीप्लाई होगा खुद से इस तरह से। अब हम देखते हैं ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, ए ए आपस में कैंसिल हो गए तो बचा क्या, प्लस थ्री ए प्लस वन बाई ए हमारा बचा। नेक्स्ट है रूट थ्री इंटू रूट थ्री, यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर इंटू रूट थ्री, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब प्लस ए प्लस वन बाई ए, ए प्लस वन बाई ए का जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ है वो यहां से हम पुट कर देंगे, तो थ्री रूट थ्री ए प्लस वन बाई ए, ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू रूट थ्री, हमें पहले ही मिल चुका है। तो इस तरह से ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब प्लस थ्री इंटू ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू थ्री रूट थ्री लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रूट थ्री का जो स्क्वायर होगा यानी कि वो होगा थ्री और एक रूट थ्री बच जाता है, उसको यहां लिख देंगे थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री इस तरह से है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब की फाइंड करनी थी, यानी कि ये टर्म है। तो हम देखते हैं उसके सॉल्यूशन पर। नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, लिखते हैं ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब इज इक्वल टू लिखेंगे थ्री रूट थ्री, राइट हैंड साइड में है प्लस थ्री रूट थ्री, लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस थ्री रूट थ्री, ठीक है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, यानी कि जीरो हुआ, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो वैल्यू आया वो जीरो है। इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जीरो, ये हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है। और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो ए प्लस बी का होल क्यूब है, जो कि आप फिर से रिमाइंड कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी होता है। और यहाँ पर थ्री ए बी, यहाँ पर थ्री इंटू ए इंटू वन बाई ए आपस में कैंसिल हो गए हैं, इस तरह से थ्री इंटू ए प्लस वन बाई ए, यानी कि ए बी, ए बी का, ए बी का जो वैल्यू है ए प्लस वन बाई ए इस तरह से है। ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस वन बाई एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर फोर इज, हमें बताना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा जा चुका है। अब हम इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू सिक्स प्लस वन बाई एक्स दिया गया है, यानी कि अब हम देखते हैं इसी से, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो प्लस वन बाई एक्स जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा, एक्स
प्लस वन बाई एक्स है तो माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू सिक्स। ये हो गया हमारा वैल्यू एक्स माइनस वन बाई एक्स का। फिर हम करते क्या है, अब हम स्क्वायर करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स लिखते हैं क्या होगा, स्क्वायर कर दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। ये हमारा उसी तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू सिक्स का जो स्क्वायर होगा वो 36 होगा, 6 इंटू सिक्स 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 या 36। एक्स और एक्स आपस में कैंसिल हो गए। इस तरह से देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 36। अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस टू है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा। इस तरह से ये 38 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है, हमें फाइंड करना है एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि हम फिर इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब हम फिर से स्क्वायर करते हैं तो हम क्या पाएंगे देखते हैं, ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे x का स्क्वायर जो होगा x टू दी पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 बाई x टू दी पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। इस तरह से यानी कि ए स्क्वायर